नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। बुधवार को यहाँ सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जब न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अब 28 नवंबर के बाद ठंड तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री रहा, ये सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 9.2 डिग्री रहा, ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 40 से 95% रहा। लोदी रोड का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री, जाफरपुर का 9.6 डिग्री, मंगेशपुर का 8.7 डिग्री, आयानगर का तापमान 8.8 डिग्री रहा। इस सीजन में ये पहला मौका है जब दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इससे पहले सफदरजंग का तापमान 17 नवंबर को 9.6 और 21 नवंबर को 9.8 डिग्री तक लुढ़क गया था। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को ज्यादा तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास है। आसमान साफ है, सुबह के समय हल्का कोहरा था। मौसम अधिकारियों ने कहा कि साफ आसमान पृथ्वी की सतह को तेजी से ठंडा करने में मदद करता है। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से एक ट्रफ जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। ये ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसकी वजह से उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में एक हल्का चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है। निचले स्तरों पर हवाएं दिल्ली के ऊपर हल्की और परिवर्तनशील हो गई हैं। हवा की दिशा में बदलाव के साथ ही नमी में थोड़ा इजाफा और विजिबिलिटी में गिरावट की संभावना है। तापमान के स्तर में भी लगभग 1 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस 27 नवंबर तक आगे बढ़ जाएगा, जिसके बाद 28 नवंबर से तापमान में एक बार फिर कमी आना शुरू हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।